दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना और हमारे देश का टेक्निकल गलियारा, और मैं हूं किशोर चोपड़ा। दोस्तों जब आप लोग नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं तब तो कंप्यूटर और लैपटॉप ठीक ठाक चलता है, पर कुछ समय पुराना हो जाने के बाद, यानी 1 साल या 1.5 साल या 2 साल के बाद कंप्यूटर और लैपटॉप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर में 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं थोड़ा पुराना हो जाने के बाद, और लैपटॉप में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले तो पहला प्रॉब्लम आता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग करेगा, यानी कुछ देर चलेगा या लगातार 3-4 घंटा भी चलेगा, फिर अचानक कीबोर्ड और माउस काम करना बंद कर देते हैं, वो हैंग कर जाता है। दूसरा प्रॉब्लम आएगा कंप्यूटर में आता है कि कंप्यूटर रात में ठीक ठाक काम किए हैं हम लोग और सेफफुली शट डाउन किए हैं, पर सुबह जब हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होता है और एक बीप की आवाज़ लगातार आती है। तो कंप्यूटर में फिर तीसरा प्रॉब्लम आता है कि कंप्यूटर कुछ देर चलेगा या कभी कभी 3-4 घंटा चलेगा और अचानक कंप्यूटर बंद हो जाएगा, शट डाउन नहीं बंद हो जाएगा, सडनली क्लोज हो जाएगा। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम आते हैं कंप्यूटर में कुछ पुराना हो जाने के बाद, और लैपटॉप में भी ऐसा आता है। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कंप्यूटर में क्या खराबी हो गया, अब नया कंप्यूटर लेना पड़ेगा क्या। पर इतना जो बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कंप्यूटर में, ये एक छोटे से और सामान्य कारण से ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। ये एक कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं, पर पहला और मुख्य रूप से ये प्रॉब्लम जो आते हैं उसका मुख्य कारण ये एक होता है, ये एक हो सकता है, एक छोटा सा और सामान्य कारण। कई लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर में वायरस का प्रॉब्लम आ गया है। वायरस के कारण भी ऐसा हो सकता है, और बहुत कोई तो हड़बड़ा कर ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं, पर रीइंस्टॉल करने के बाद, ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइंस्टॉल करने के बाद भी कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम दूर नहीं होता है, फिर क्या करेंगे। जब भी ऐसा कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रॉब्लम आए तो कंप्यूटर और लैपटॉप की अंदरूनी सफाई कर लें, उसमें जरूर धूल गंदगी जमी हुई है अंदर में। सबसे पहले कंप्यूटर और लैपटॉप की अंदरूनी सफाई करें। अब डेस्कटॉप की सफाई तो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर कोई आप में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, तो आप डेस्कटॉप की सफाई खुद कर सकते हैं, मैं सावधानी बता दूंगा। पर लैपटॉप की सफाई खुद से ना करें, किसी अच्छे जानकार के से लैपटॉप की सफाई, अंदरूनी सफाई करवाएं, क्योंकि लैपटॉप की बनावट थोड़ी जटिल होती है और उसमें कुछ सफाई के दौरान खराबी आ सकती है, तो इसलिए खुद से नहीं करें लैपटॉप की सफाई, और किसी जानकार के से ही इसकी सफाई करवाएं। आपको लैपटॉप के इंजीनियर को, लैपटॉप और कंप्यूटर के इंजीनियर को सिर्फ इतना कहना है कि इसमें कुछ खराबी नहीं है आई है, सिर्फ इसमें धूल और गंदगी जम गई है, आप इसे साफ कर दें। 6-8 महीना में कंप्यूटर और लैपटॉप की सफाई जरूर होनी चाहिए, अंदरूनी सफाई जरूर होनी चाहिए। अगर कंप्यूटर या लैपटॉप धूल और गंदगी वाले एरिया में ज़्यादा काम होता है कंप्यूटर का, तो कम से कम 3-4 महीना में कंप्यूटर की अंदरूनी सफाई होनी चाहिए। कंप्यूटर का डेंजर एरिया जहाँ कंप्यूटर इंजीनियर भी कम ही हाथ लगाते हैं, उसकी सफाई किन किन सावधानी के साथ करनी है ये सब मैं आगे बतलाने वाला हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर के सारे तारों को हटा दें, निकाल दें, जिसे VGA केबल, मेंस वायर, मेंस कोड, माउस USB कोड से जो वायर निकलता है वो, फिर कीबोर्ड का USB पोर्ट, ये सभी को वायर को निकाल दें। 5-6 घंटा ये तारों की कोई ज़रूरत नहीं है। और सूखे ब्रश से जब कंप्यूटर डेस्कटॉप को खोलकर, कैबिनेट खोलकर सूखे ब्रश से जितना गंदगी साफ कर सकते हैं, जाला धूल गंदगी जितना साफ कर सकते हैं कर लें, हटा दें। अब ये जो मैं काम जिस डेस्कटॉप में काम कर रहा हूँ, ये
इसका मदरबोर्ड फैक्सकॉन कंपनी का है। ये फैक्सकॉन कंपनी वही है जो एप्पल के मोबाइल और लैपटॉप और डेस्कटॉप बनाती है। सबसे पहले मदरबोर्ड का ऊपरी हिस्सा सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपरी हिस्से को सूखे ब्रश से साफ़ करेंगे। फिर ब्रश को पेट्रोल या थिनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन में भिगोकर सभी हिस्सों को साफ़ करेंगे। क्लीनिंग सॉल्यूशन 1 2 मिनट में उड़ जाने वाला होना चाहिए। अब हम लोग हीट सिंक और फैन को साफ़ करेंगे। प्रोसेसर के ऊपर जो हीट सिंक लगा होता है, इसमें धूल और गंदगी भर जाती है, क्योंकि इसमें जो फैन लगा होता है वह हवा को अंदर की ओर खींचता है, जबकि लैपटॉप में हवा बाहर की ओर निकलती है। इस हीट सिंक में धूल और गंदगी जमी होने के कारण प्रोसेसर की गर्मी को या फैला नहीं पाता, जिससे प्रोसेसर ओवरहीट हो जाता है, और एक लिमिट टेम्परेचर तक ओवरहीट होने के बाद प्रोसेसर डेस्कटॉप कंप्यूटर को हैंग कर देता है या बंद कर देता है। लैपटॉप में भी धूल और गंदगी के कारण एयर पास करने वाले छोटे छोटे छेद धीरे धीरे जाम हो जाते हैं और एयर पास नहीं हो पाता है। इस कारण से लैपटॉप की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और लैपटॉप का कीबोर्ड एरिया और लैपटॉप की बॉडी ज़्यादा ज़्यादा गर्म हो जाती है। इस कारण से लैपटॉप हैंग हो जाता है या चलते चलते बंद हो जाता है। हीटसिंक के ऊपर लगे फैन को खोल लें, फिर ब्रश को पेट्रोल या थिनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन में भिगोकर फैन को अच्छी तरह से साफ़ करें, फिर अच्छी तरह से सुखा लें। अब हीट सिंक को बाहर निकाल लें। हीट सिंक को बाहर निकालने का तरीका हर कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है। किसी कंप्यूटर में 4 स्क्रू खोलकर हीट सिंक को बाहर निकाला जाता है, तो किसी कंप्यूटर में 4 स्क्रू को थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फिर 4 स्क्रू को धीरे से ऊपर थोड़ा ऊपर खींचकर हीट सिंक को बाहर निकाला जाता है। हीट सिंक को बाहर निकालकर पेट्रोल या क्लीनिंग सॉल्यूशन से अच्छी तरह से साफ़ कर लें, फिर अच्छी तरह सुखा लें। अब हम लोग मदरबोर्ड के निचले हिस्से की सफाई करेंगे। मदरबोर्ड के नीचे के हिस्से को सूखे ब्रश से साफ़ करेंगे सबसे पहले। फिर ब्रश को पेट्रोल या थिनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन में भिगोकर सभी हिस्सों की सफाई करेंगे। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए हैंग होकर फिर ठीक ठाक चलता है, या बार बार हैंग हो जाता है, या बार बार हैंग होकर बंद हो जाता है, तो प्रोसेसर की सफाई करनी होगी। प्रोसेसर को बोलचाल की भाषा में सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू सॉकेट में लगी क्लिप को थोड़ा सा दबाकर खिसकाने पर क्लिप ऊपर आ जाता है। अब बहुत ही आराम से उंगली और अंगूठे से अच्छी तरह से पकड़कर प्रोसेसर को बाहर निकालते हैं। कंप्यूटर जब थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो हीट सिंक और प्रोसेसर में लगा हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट सूख जाता है, और ये हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट प्रोसेसर की गर्मी को एल्यूमिनियम की हीट सिंक में तुरंत ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, जिससे प्रोसेसर ओवरहीट हो जाता है। सूखे हुए हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट को पेट्रोल से या थिनर से या सॉल्यूशन से कपड़ों में भिगोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लें। प्रोसेसर की सफाई के लिए इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। इरेजर से रगड़कर कार्बन की परत हटाते हैं, इससे गोल्डन एरिया चमकने लगता है। मुलायम ब्रश को पेट्रोल या थिनर में भिगोकर इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, फिर अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। प्रोसेसर के ठीक नीचे सीपीयू सॉकेट होता है। सीपीयू सॉकेट में लगभग 800 बहुत ही पतले और नाजुक पिन होते हैं। कंप्यूटर के पुराना होने पर प्रोसेसर और सीपीयू सॉकेट के 800 पिन आपस में ठीक तरह से जुड़ नहीं पाते। सीपीयू सॉकेट की सफाई खुद से ना करें, इसकी सफाई के लिए किसी कंप्यूटर इंजीनियर की मदद लें। प्रोसेसर को जैसे निकाले थे वैसे ही वापस लगाया जाता है, और प्रोसेसर के दोनों साइड में कट का निशान होता है। दोनों कट के निशानों को सीपीयू सॉकेट से आपस में मिलाकर प्रोसेसर को वापस आराम से वैसे ही फिट कर दें। अब सीपीयू सॉकेट की क्लिप को दबाकर क्लिप को लॉक कर दें। अब थोड़ा सा हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट को प्रोसेसर के ऊपर लगाएं, और बिल्कुल थोड़ा सा हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट हीट सिंक में भी लगाएं। हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की दुकान में 10 रुपये में मिल जाती है, और ये हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट
ग्रे कलर का भी आता है और ये थोड़ा महंगा भी होता है, 200 250 500 रुपये तक भी आता है, पर 10 रुपये का भी मिल जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स की दुकान में। अब हीट सिंक और फैन की सही से फिटिंग करनी है, 4 स्क्रू को ठीक से कस ले। अब फैन वायर को इसके सॉकेट में सही से फिट कर दें। फिक्र ना करें, या कभी भी उल्टा नहीं फिट होता है। इस कंप्यूटर में 2 GB और 2 GB का 2 RAM लगा हुआ है। रैम जिस सॉकेट में लगा होता है उसके दोनों ओर हैंडल लॉक लगा होता है। रैम के हैंडल लॉक को दोनों ओर से बाहर की ओर एक साथ दबाने पर रैम अपने आप बाहर आ जाता है। रैम में धूल गंदगी के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं, जिससे रैम में नमी बनी रहती है। यही नमी रैम की सर्किट को हल्का हल्का शॉर्ट करके ब्रेक करते रहता है। हम लोग रैम के सभी हिस्सों को पेट्रोल या थीनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन में ब्रश को भिगो कर अच्छी तरह से साफ करेंगे। स्टिकर वगैरह भी निकाल कर साफ करना चाहिए, जिससे नमी कहीं फंसी ना रहे। रैम की सफाई के लिए इरेजर का भी इस्तेमाल करते हैं। इरेजर से रगड़ कर कार्बन की परत को हटाते हैं, इससे रैम का गोल्डन एरिया चमकने लगता है। अब हम लोग रैम के सॉकेट को भी साफ करते हैं। रैम को सॉकेट को साफ करने के लिए पहले सूखे ब्रश से सॉकेट को साफ कर लेते हैं, फिर ब्रश को पेट्रोल या थिनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन में भिगो कर सॉकेट को अच्छी तरह से साफ करते हैं और फिर सुखा लेते हैं। अब रैम को भी अच्छी तरह से सुखा कर वापस रैम सॉकेट में फिट करते हैं। रैम में एक कट का निशान होता है और इस कट के निशान को रैम सॉकेट के स्लॉट से मिलाकर फिट करते हैं, और फिर हैंडल लॉक को बिना छुए रैम के दोनों ओर के हिस्सों को एक साथ दबाने पर हैंडल लॉक अपने आप फिट हो जाता है। ऐसा भी होता है कि मदरबोर्ड, हीट सिंक, फैन, प्रोसेसर और रैम की अच्छी तरह से सफाई करने के बावजूद कंप्यूटर हैंग होता रहता है या सडनली क्लोज होता रहता है। तो अब सारी सफाई करने के बावजूद प्रॉब्लम नहीं ठीक होता है, तो अब क्या करें? अभी भी एक कोना बाकी है कंप्यूटर का, वो कोना है कंप्यूटर का डेंजर एरिया, यानी SMPS पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। कई लोगों मैंने कहते हुए सुना है कि SMPS पावर सप्लाई सेक्शन में यदि कोई गड़बड़ी है तो सीधे SMPS पावर सप्लाई बॉक्स को बदल दें। क्या इसका बस यही समाधान है? इसी के कारण तो देश में इतना इलेक्ट्रॉनिक कचरे का ढेर लगते जा रहा है। हम लोग कुछ हद तक तो उसको चेक कर ही सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं, और जो ज़्यादातर खराब होने वाला कंपोनेंट्स है, जैसे डायोड है, रेक्टिफायर है, कंडेंसर है और रेजिस्टेंस है, तो इनको चेक तो कर सकते हैं, और इनमें से अगर कोई ख़राब है तो हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते हुए अब हम लोग चलिए SMPS पावर सप्लाई की सेक्शन की सफाई करते हैं। सबसे पहले SMPS के फैन को खोलकर सूखे ब्रश से साफ करते हैं, और फिर SMPS के कंपोनेंट को सूखे ब्रश से साफ कर लेते हैं। अब ब्रश को पेट्रोल या थीनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन में भिगो कर SMPS के सभी हिस्सों को अच्छी तरह से साफ करेंगे। SMPS बॉक्स के कवर को भी अंदर से साफ करते हैं। अब स्क्रू खोलकर PVC प्लेट को निकाल लेते हैं। ये देखिए PVC प्लेट के नीचे कितनी धूल गंदगी जमी है, साथ ही सूक्ष्म जीवाणु की कॉलोनी भी बसी हुई है, और इसी से पीसीबी प्लेट में नमी बनी रहती है, और यही नमी पीसीबी के सर्किट को हल्का हल्का शॉर्ट करके ब्रेक करते रहता है। इस कंप्यूटर में सडनली क्लोज और हैंगिंग का प्रॉब्लम इसी कारण से हो रहा था। अब सूखे ब्रश से पीसीबी प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लें, धूल गंदगी निकाल लें, फिर पेट्रोल या थीनर से क्लीनिंग सॉल्यूशन पेट्रोल थीनर या क्लीनिंग सॉल्यूशन से ब्रश को भिगो कर पीसीबी प्लेट की सफाई कर कीजिए। अब SMPS पावर सप्लाई बॉक्स को वापस जैसे पहले था वैसे फिट कर लेते हैं। हॉट एयर गन से भी कंप्यूटर के अंदरूनी हिस्सों को सुखाया जा सकता है। यदि हॉट एयर गन नहीं है तो कंप्यूटर को
4-5 घंटे के लिए सूखे कपड़े से ढककर छोड़ दें, क्योंकि पेट्रोल थिनर और क्लीनिंग सॉल्यूशन किसी कंपोनेंट के बीच में या नीचे फंसे हो सकते हैं और वो सर्किट को ब्लॉक कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इस कारण कंप्यूटर का कोई पार्ट्स खराब हो सकता है, कंप्यूटर में बहुत बड़ी खराबी भी आ सकती है। इसलिए उसे सूखने दें, पेट्रोल थिनर को सूखने दें, उड़ जाने दें। इसलिए अगर हॉट एयर गन नहीं है तो सूखे कपड़े से ढककर 5 घंटा के लिए, 4-5 घंटा के लिए छोड़ दें। 4 से 5 घंटा के बाद कंप्यूटर ठीक हुआ है या नहीं इसकी जांच करेंगे। सबसे पहले VAG केबल, कीबोर्ड USB केबल, माउस USB केबल और पावर कोड उसे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, फैन स्टार्ट हुआ और बीप की आवाज़ आई, और अब कंप्यूटर में सडनली क्लोज और हैंगिंग का प्रॉब्लम दूर हो गया। अब कंप्यूटर पहले जैसा नया में चलता था वैसा ही चल रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने टेक्निकल गलियारा के साथ जुड़कर कुछ ना कुछ नया सीखा जाना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। लाइक और कमेंट करें ताकि आपका अपना विचार हमें जानने को मिले। टेक्निकल गलियारा यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें। सब्सक्राइब का लाल बटन सफ़ेद हो जाएगा, साथ ही घंटी का बटन भी दबा दें। फिर एक नए समस्या समाधान के साथ, फिर एक नए आइडिया टेक्नोलॉजी के साथ टेक्निकल गलियारा आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप लोग अपने जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार।